Ayo. Lighters ka sa air condition. ब्लॉग शूट कर लिया मुझे हमरा उस लिए चाहिए था ब्लॉग शूट करना काम आपको है कहाँ चला गया वहाँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप लोग आई होप लोग बहुत अच्छे हो गए यहाँ पर हम लोग तैयार हो चुके हैं हम और दीदी एक कलर का एक डिज़ाइन का ही साड़ी पहने हैं और पूरी एक तरह से ही तैयार हुए हैं बताइएगा हम दोनों से कौन अच्छा लग रहा है वैसे हम जानते हैं दीदी बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पर रो रही है क्योंकि यहाँ पर उसका मुंडन होगा और यहाँ पर एक वीडियो मेरा फुआ बनाई है मेरी छोटी फुआ इसी कारण उनका फिंगर आ रहा था कैमरे के पास उनको पता नहीं था लाइफ में फर्स्ट टाइम कैमरा यूज कर रही थी वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पर सब कुछ हो चुका है निहारी जो हो रहा था वो हो रहा है और उसी समय हम लोग के यहाँ मुंडन होता है जिसका भी होने वाला रहता है तब भाभी लेकर बैठी हुई हैं पिकू के मम्मी और दीदी पीछे जा रही हैं दीदी और हम क्योंकि हम लोग लगते हैं बुआ उसके ऑफकोर्स तो हम लोग का ही काम है तो आप लोग देखिए और यहाँ पर हो रही बगल में मेरे चचेरे भाई की बेटी का मुंडन हो रहा है और यहाँ पर दीदी बैठ चुकी है वो बाबू को जो हेयर कटिंग होगा उसे लेने के लिए अपने आँचल में तो सही में दीदी बहुत क्यूट लग रही है और यहाँ पर हम भी बैठे थे लेकिन मेरा बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था उसको नींद आ रही थी इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था इसी कारण हम उठ गए थे थोड़ी देर बाद भाभी के नार अच्छा मोबाइल वाला और सब लोग उसके पीछे लगे हुए थे पकड़ने के लेकिन वो सब किसी से थम नहीं रही थी तो अंतिम में मेरे हस्बैंड को बुलाया गया वो आकर उसे पकड़े तो जाकर मुंडन उसका शुरू हुआ तो असल में कहा था कि फुआ ही काम होता है लेकिन यहाँ पर तो रियल में उसके फूफा का ही मेन काम हो गया उसके फूफा अगर नहीं रहता तो शायद ये पकड़ने का काम हम लोग तो नहीं हो पाता तो चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है यहाँ पर मुंडन फाइनली शुरू हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दोनों बहन को क्या नेक मिला है तो कभी आप लोग वो भी दिखाएंगे क्या क्या मिला है हम लोगों को मैंने क्या क्या दिया मुंडन में तो एक ब्लॉग आपको अलग से मिलेगी उसका तो आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिए अब
पकड़िए इधर जल्दी। चलिए अब फाइनली थोड़ा सा हुआ है। इतना रो रही थी कि पूरा पसीने पसीने पूरा गर्मी से बेहाल हो गई थी, तो अंत में उसका पंखा झलक गया। सब लोग पंखा हो रहे थे, मेरी फुआ लोग भी, और फिर पापा भी आते हैं, वो भी पंखा होकते हैं। अंत में इतना भी नहीं होता है तो फिर मेरे हस्बैंड फिर उसको मोबाइल दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके फाइनली उसका मुंडन होता है। हाँ, और फाइनली यहाँ पर बाबू का मुंडन हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा रोई थी, जितना ही बच्चा लोग का हुआ था उसमें शायद एक दो ही बच्चा नहीं था जो बहुत ज़्यादा रोने वाला, उसमें से एक ही है। अरे बाबा के पैसे रसम, घी लगाना, दही लगाना, सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद भी रात हो गई है, यहाँ पर दीदी और मेरे साथ बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर छोटू मोबाइल देख रहा है। इसी साथ चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो को।